हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेंगल नमीस। मेरा चैनल बेंगल नमीस पे तुम सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में कैसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इक्विलिब्रियम होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात, ये वीडियो को पूरा ध्यान से देखना एंड मेरे बात को ध्यान से सुनना। अगर वीडियो देखने के बाद अगर तुमको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और किसी को कुछ डाउट्स है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना। तो चलो आज का वीडियो शुरू किया जाए। तो अभी हम देखेंगे शॉर्ट रन में कैसे इक्विलिब्रियम होता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बोला था, जब बहुत सारा सेलर्स है, बहुत सारा बायर्स है, प्रोडक्ट दोनों अलग अलग डिफरेंस है, लेकिन पार्शियली सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट नहीं है, कभी भी घुस सकते हैं फॉर्म एंड कभी भी निकल सकते हैं। यहाँ पे यार रेमन दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है एंड देयर इज नो कोलिशन बिटवीन द फॉर्म। कितना माल बेचेंगे वो इसे इसका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट के ऊपर डिपेंड है एंड ऑल फॉर्म्स आर मेन ऑब्जेक्ट दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात किए थे जो यहाँ का जो कंडीशन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फर्स्ट कंडीशन है एम आर इक्वल्स टू एम सी एंड सेकंड कंडीशन है स्लोप ऑफ एम सी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एम आर। दिस इज द टू कंडीशन ऑफ मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट। तो अब हम देखेंगे तो ये हो गया हमारा ए आर एम आर एस सी एंड एम सी। ये है इस तरफ मेजर कर रहे, इस तरफ हम क्वांटिटी मेजर कर रहे। ओके, तो हमको पता है ए आर का लाइन कुछ इस तरह ऐसा होता है। ठीक, इसका इस जो गैप है इसका बीच में, यहाँ से यहाँ जो बीच में इसके एम आर जाता है एम आर। ओके, ये हो गया हमारा ए आर एंड ये हो गया हमारा एम आर एंड एम सी का ए सी का आपको इस तरह होता है, एवरेज कॉस्ट का यूज होता है एंड एम सी कार्ड इसका ठीक नीचे से एम सी कार्ड गुजरता है। तो ये होता है हमारा नॉर्मली फीचर है। तो हम फर्स्ट क्या है, एम आर इज ग्रेटर इक्वल्स टू एम सी। तो हम यहाँ पे आकर के देख रहे हैं जो ये एम आर और एम सी कार्ड यहाँ पे टच कर रहे हैं, यहाँ पे एम, तो यहाँ पे जब टच कर रहे हैं। और एक टू कंडीशन क्या है, और एक टू कंडीशन स्लोप ऑफ एम सी, स्लोप ऑफ एम सी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एम आर, मतलब एम सी एम आर को नीचे से कट करेंगे। तो यहाँ पे कट करें तो दोनों पॉइंट यहीं पे फुलफिल हो रहे हैं। देखो अभी इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट को हमको ऐसे मिलेगा। तो ये हो गया हमारा क्यू वन पी वन एंड सपोज ये बी वन। तो यहाँ पे हम रेवेन्यू कितना मिल रहा है ना, टोटल रेवेन्यू एट पॉइंट बी वन व्हेन प्राइस इक्वल्स टू ओ, देन टोटल रेवेन्यू इज द ओ पी बी वन क्यू वन। टोटल रेवेन्यू कैसे होता है, टोटल रेवेन्यू इज द एवरेज रेवेन्यू के नीचे का जो पोर्शन है वो टोटल रेवेन्यू होता है। तो यहाँ से हो रहा है ओ पी वन बी वन क्यू वन। एंड कॉस्ट हमको कैसे पता चलेगा, कॉस्ट होता है एसी का, जो एसी का जो है उसका नीचे पोर्शन। तो ये हो सपोज ये सी वन एंड पी जीरो एंड टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू ओ पी जीरो सी वन एंड क्यू वन, प्रॉफिट इक्वल्स टू दैट इज एक्सेस प्रॉफिट। एक्सेस प्रॉफिट क्या होगा, हो गया ये पोर्शन हो गया हमारा एक्सेस प्रॉफिट दैट इज ओ पी वन बी वन क्यू वन माइनस ओ पी जीरो सी वन क्यू वन इज इक्वल्स टू पी जीरो पी वन बी वन एंड सी वन। दिस इज आर एक्सेस प्रॉफिट, ये हो गया हमारा हमको एक्सेस प्रॉफिट हो रहा है। शॉर्ट रन में एक फॉर्म को एक्सेस प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन जब एक्सेस प्रॉफिट हो गए हम बताए क्या यहाँ का कंडीशन क्या, बहुत सारा सेलर्स माल बेच रहे हैं। तो जब हम देखेंगे जी मेरा जैसा बहुत सारा सेलर्स, मेरे जैसा कोई सेलर्स किसी मार्केट से गेन कर रहा है, बहुत सारा गेन कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, तो हमको क्या लगेगा, चलो हम भी उस मार्केट में घुसेंगे, हम भी वहां पे व्यवसाय करेंगे। तो जब हम घुसेंगे तो क्या होगा, शॉर्ट रन है, इस शॉर्ट रन में तीनों तीनों टाइप का प्रॉफिट हो सकता है। इन शॉर्ट रन एन नॉर्मल प्रॉफिट सिक्स प्रॉफिट एंड लॉस, ये तीनों इन शॉर्ट रन में एक फॉर्म को तीनों मिल सकते हैं।
शॉर्ट रन में ये तीनों हो सकते हैं, लेकिन एक फर्म कंटिन्यूअसली तो एक्सेस प्रॉफिट नहीं कमा सकते, एंड अगर लॉस होगा तो भी मार्केट में नहीं रहेगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि एक फर्म को अगर शॉर्ट रन में एंड लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में कंडीशन तो कुछ अलग सा होगा। लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में ये जो गार्प का जो सेफ है सेम रहेगा। इस तरफ हम सिर्फ एमसी और एसी नहीं मेजर करेंगे, इस तरफ हम मेजर करेंगे एलएमसी एंड एलएसी। यहाँ पे एआर कर्व है, ठीक बीच में एमआर कर्व है, और ये एलएसी एलएम यहाँ पे जो हम बात किए थे एसी, ये सिर्फ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का होगा। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एलएसी से कैसे होता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का कुछ ये होगा एलएसी। सिमिलरली एलएमसी भी ऐसा होता है, हो गया। तो अभी हम देखा रहे, देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, लॉन्ग रन का कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है एमआर इक्वल्स टू एलएमसी, एंड सेकंड कंडीशन है स्लोप ऑफ एलएमसी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एमआर। यस, तो यहाँ पे हम मिल रहे हैं एम आर इक्वल टू एल एम सी, ये हो गया हमारे एम आर और ये हो गया एल एम सी। तो यहाँ पे राज ओ पी टू सी टू एंड क्यू टू सपोज, तो यहाँ पे रेवेन्यू कितना हो रहा है, रेवेन्यू इक्वल्स टू ओ पी टू सी टू एंड क्यू टू, एंड कॉस्ट कितना होगा, एल ए सी का नीचे का जो पोर्शन है वही कॉस्ट है। तो कॉस्ट इक्वल्स टू कितना होगा, ओ पी टू सी टू क्यू टू। तो ना प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट इक्वल्स टू ओ पी टू सी टू क्यू टू माइनस ओ पी टू सी टू क्यू टू। तो ये जो दिखा रहा है यहाँ पे इतना ही सारा रेवेन्यू है, इतना ही कॉस्ट है। तो ये जो है यहाँ पे ये जो प्रॉफिट मिल रही है इसको नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। सो इन लॉन्ग रन में एक फार्म को कभी एक्सेस प्रॉफिट नहीं हो सकता, एक लॉन्ग रन में एक फार्म को जरूर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो यही होता है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इस तरह से हम यहाँ पे पी टू प्राइस में लॉन्ग रन में रन करेंगे, एंड पी टू प्राइस में हम मार्केट में हमारा माल को बेचेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, चलो देखो, अगर कुछ डाउट्स हैं जरूर मुझे कमेंट करना। Thank you for watching this video and like, subscribe. Thank you.